हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सब फेवरेट ही है ना आप मेरे फेवरेट में आपका फेवरेट कैसा लग रहा है सबको सब आ गए हमारे बच्चे अ वेरी गुड इवनिंग एवरी वन हेलो गाइज हेलो गुड इवनिंग सबको किसी को आफ्टरनून किसी को इवनिंग चलो जी ठीक है बट आफ्टरनून तो आफ्टरनून लेकिन अब इवनिंग तो हो ही गया पाँच बज गए हाँ बेटा आज सेशन लेट रखे थे कुछ काम था सर को सर चले गए थे नीतीश राठौड़ बस बेटा खुश पढ़ाई करेगा तो अब फिर तेरा नाम भी होगा ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा तेरे को अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू जस्ट अ टू मिनट्स बाकी सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं हमारे जब तक के लिए आप लोग सब फटाफट कल के लेक्चर को रिवाइज करके रिवाइज़ मारो जल्दी से एक बार रिएक्स रिवाइज मैं भी करवाने वाला हूँ वैसे आप लोग भी फटाफट जल्दी से रिवाइज करके ले लो भी होगा बेटा टेंशन मत लो मैथ्स भी आने वाला है प्रशांत सर लेने वाले मैथ्स का चलिए करके आए हो सब लोग चलो तो बेटा फटाफट एक बार लास्ट के लेक्चर में रिवीजन लास्ट लेक्चर में जो किया था एक बार रिवाइज मार लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या किया था बेटा मैंने आपको ना प्रिपरेशन ऑफ हेलोअ पढ़ाया था इसके अंदर मैंने सबसे पहले अपन ने ना सबसे पहले क्या किया था मालूम है क्या चलो सबसे पहले हम लोग ने टोलविन लिया था अच्छा टोलविन को कितनी बार लिया था गाइस दो बार लिया था याद आ रहा है ना सबको सर ने बोला था सर दो बार क्यों लेने का दो बार इसलिए लेने का क्योंकि एक बार औरतों के लिए आता है एक बार पैरा के लिए आता है उसके बाद हमने उसमें दो सीलेंड डाला था दो क्लोरिन डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ एफीडार्क आई होप सबको याद आ रहा है सब लोग ने ये पढ़ा था सब लोग ने ये किया था बराबर चल अब क्या किया था हमने दो रिंग बनाई थी एक औरतों के लिए बनाई थी और एक पैरा के लिए बनाई थी ऑर्थो और, और पैरा फटाफट रिवीजन सबके लिए जो बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनके लिए एक बार क्विकली रिवीजन शुरुआत के पांच मिनट में रिवीजन हो जाएगा सबका चल क्या करने का ऑर्थो से एक एच निकालने का पैरा से एक एच निकालने का ऑर्थो से एक एच निकाला पैरा से एक एच निकाला दो एच हो गए दो सी एल के साथ दो एच और दो सी एल मिल गया बच्चा लोग तो अपने को क्या मिलता है दो एच सी एल मिलता है बराबर ना एक ऑर्थो पे क्लोरिन लगा देने का एक पैरा पे क्लोरिन लगा देने का ये बन गया मेरा ओ क्लोरोन और ये बन गया अपना पी क्लोरो टलविन ये दो प्रोडक्ट हमने सीखे थे सबको आ रहा है सबने किया था सबने मेरे साथ में अच्छे से दिया था वेरी गुड एवरी वन पक्का श्योर चलिए उसके बाद में मैंने आप लोगों को नेक्स्ट मेथड पढ़ाया था सेंड मेयर्स रिएक्शन फटाफट जरा हाथ उठाओ कितने बच्चों को सेंट मेयर है देखो ज़रा ज़रा थम्सअप करो कितने लोगों को सेंड मेयर रिएक्शन याद है बताओ जरा फटाफट एक बार मस्त सेंड मेयर तो अपना नाम वाला रिएक्शन है सर ने बोला नाम जिसका उसी का काम कब काम नाम काम चलो ना काम नहीं रे बेटा नाम और काम क्या किया था सेंड मेयर में सबसे पहले अपन ने ले लिया एनिलीन क्या ले लिया गाइस एनिलीन ले लिया एनिलीन में हम लोग ने क्या डाला था एच एन ओ थ्री डाला था और एच सी एल डाला था बराबर मेरा बच्चा एच एन ओ थ्री नहीं रे एच एन ओ टू बोलते नहीं हो तुम लोग अच्छा ठीक है अब चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो अपने को क्या मिल रहा था दो बार एच टू मिल रहा था याद है ना सर ने बोला था चार हाइड्रोजन निकालो चार हाइड्रोजन कहा से लिया दो तीन चार चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन अब क्या बचा एन बचा एन बचा सी एल बचा तो बेंजीन के ऊपर एन टू सी एल याद है नोट्स तो मिल ही गए होंगे बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड बनता है सर ने आपको ट्रिक बताया था कैसे याद रखने का बेंजीन बेंजीन है इसके लिए बेंजीन लिया डाई क्योंकि अजोनियम है है अजोनियम अजोनियम मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो बार इसलिए डाई क्लोराइड ठीक है क्या बच्चा अभी भी लेकिन अपना हेलोजन तो बना नहीं है अपना हलाइड बना नहीं तो हम लोग क्या करते हैं जब बेंजीन डाई अजोनियम हलाइड बनता है ना वाइस उसमें हम दो चीज डालते हैं या तो हम क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं या तो हम क्यूप्रस ब्रोमाइड डालते हैं दोनों में अपना चेन बन जाता है एक में क्यूपरस क्लोराइड बन जाता है दूसरे में क्यूपरस ब्रोमाइड बन जाता है नाइट्रोजन गैस दोनों से बाहर निकल जाती है आई होप सबने इतना पढ़ाई करके आया बराबर ऑल ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स फटाफट से जरा एक बार अप दे दो सर को तो को सर को समझ जाएगा कि बच्चा लोग सब लोग आज पढ़ के आए एवरी वन हेलो 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 गाइज हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज सगलाना माझा सप्रेम नमस्कार आ सगले बहत ना कालजी घट अभ्यास करा बायो के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे बच्चा लोग टेंशन मत लो सब कुछ मिलेगा नोट भेज दिया एमन भया नोट भेज दिया ना तो चल बड़ा आज का जो सेशन है ना वो सेशन मतलब अंगार अंगार आग लगाने वाला सेशन है ऐसा समझो आतंक आज मजा ही मजा है लेक्चर तो आज के सेशन में जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूं चलो उसका नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी अब ये क्या है ये शुरू करने से पहले मैं लेकर के जाता हूं आपको एक बहुत सिंपल से टर्म पे That is called as light. चलो बच्चा लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को लाइट का डेफिनेशन क्या लगता है वॉट इज लाइट लाइट क्या होता है? वॉट इज लाइट सबने ना अपने बचपन से पांचवी में छठी में सातवीं में लाइट तो सुना है लेकिन पहले जो डेफिनेशंस आप पढ़ते थे अब हम उससे इवॉल्व हुए हम उससे हुए। अब हमारा डेवलपमेंट हुआ अब हम बड़े आगे अपनी अपने आप को हम लोग ने हर स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड वाइज बढ़ाया तो अभी हमारा टेक्निकलिटी भी बढ़ना चाहिए तो बेटा व्हाट इज लाइट गाइस कोई बच्चा तो बोल रहा है लाइट ही बंद कर दो अरे बाबा लाइट बता पहले फिर लाइट बंद करेंगे लाइट इज वाइट अरे बाब अरे क्या बात है लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओके वेरी गुड ट्यूबलाइट सबकी ट्यूबलाइट जल रही है कि नहीं जल रही देखते एक्सलेंट कुछ बच्चों ने मुझे बहुत बढ़िया सा आंसर दिया दट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूस या परसिस्ट सेंसेशन ऑफ विजन लाइट एक ऐसी चीज है जो हमको देखने में साथ देती है हमारे विजन को सपोर्ट करती है हमको उससे दिखाई देता है अब आप बोलोगे सर क्या मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेटा आपके आसपास में दुनिया में बहुत सी लाइट है बहुत सी लाइट आप बोलोगे सर क्या अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सरे माइक्रोवेव कॉस्मिक रेस इंफ्रा रेज रेस ये सब कुछ चल रहा है आपके आसपास में मतलब समझो कि आप इन सब लाइटों में घिरे हुए हो लेकिन आपकी आंखों की शक्ति योर विजिबिलिटी पावर कैन सी ओनली द रेज विच आर विजिबल अंडर सर्टन वेवलेंथ ये सब लाइट का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है लेकिन उस फ्रीक्वेंसी से हमको दिखाई नहीं देता है हमको वही चीज दिखती है जो हमारी आंखों के फ्रीक्वेंसी से मैच करे हमारे आंखों के वेवलेंथ को विजिबल बनाए हमारे रेटिना पे इमेज बनाए ये सब अब पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा तो बेटा ये लाइट का अगर कोई डेफिनेशन मुझसे पूछता है ना तो मैं बोलूंगा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमको देखने में चीजों को दिखाने में काम आता है ये लाइट है। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर वाई आर वी लर्निंग द लाइट कंसेप्टर क्या आपने केमिस्ट्री से फिजिक्स पढ़ाना चालू किया क्या? बताया नहीं सर आप फिजिक्स भी पढ़ाते हो नहीं रे बेटा आज के टॉपिक का ना धमाल यही है कि के फिजिक्स केमिस्ट्री सबको एकदम उछालने वाले हम लोग तो सब लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं चलो लाइट पढ़ लिया मैंने अब कंसिडर अपने पास है ना बस चलो एक लाइट है जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं मतलब एक नॉर्मल लाइट जिसको हम लाइट बोलते हैं ना अ सिंपल ऑर्डिनरी लाइट दिस इज अ नॉर्मल लाइट गाइज ये एक नॉर्मल लाइट है जिसको आप ऑर्डिनरी लाइट भी बोल सकते हो जिसके पार्टिकल ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन मतलब यह हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है ऐसा कुछ तो लाइट है हमारा ठीक है अब यह लाइट को ना हम लोग पास करने वाले हैं एक सब्सटेंस से जिसका नाम है गाइस निकोल प्रिजम प्रिजम तो सब नहीं सुना है मैंने आपको एक धमाल बढ़ता है जो है निकोल प्रिजम जो कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है कैल्शियम कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है एंड विच इज फ्यूज बाय कैनेडा बाल्सम कैनेडा बाल्सम एक मटेरियल होता है ऐसा नहीं खाली कैनेडा में ही मिलता है नाम है कैनेडा बाल्सम मतलब हम लोग क्या करेंगे कैल्शियम क्रिस्टल क्रिस्टल को लेंगे और उसको जोड़ देंगे कैनेडा बाल्सम से तो एक प्रिज्म क्रिएट होएगा उस प्रिज्म को हम लोग क्या नाम देंगे नाम देंगे बच्चा लोग हम लोग उसको के निकोल प्रिज्म अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं क्या ऐसी जरूरत क्यों है बेटा जब तुम्हारा ये ऑर्डिनरी लाइट इस प्रिज्म से होकर के बाहर निकलेगा ना तो वो लाइट खाली एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा दिस लाइट विल वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन एंड द लाइट विच वाइब्रेट ओनली इन वन पॉसिबल डायरेक्शन इस कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट सब चीजों को पीछे जाके जोड़ूंगा बेटा तो अभी सिर्फ समझते जाओ सीखते जाओ और पढ़ते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं बाद में सब समझेगा तो पहले मैंने क्या बोला मैंने लाइट ले लिया लाइट को मैंने क्या किया मैंने बोला लाइट एक ऐसी चीज है जिसके पार्टिकल सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो मैंने आप लोग ने बोला सर अच्छी बात है बहुत बढ़िया ये तो अच्छी बात है उसको क्या किया मैंने पास किया क्या किया पास किया किसके साथ पास किया निकोल प्रिज्म से पास किया निकोल प्रिज्म क्या था निकोल प्रिज्म एक ऐसा बनाया हुआ प्रिज्म था जिसमें कैल्साइट क्रिस्टल को कैनेडा बाल्सम से जोड़ा है अब क्या किया जब लाइट उससे बाहर निकल के आई तो मुझे जो लाइट मिली अब वो ऑर्डिनरी लाइट नहीं है मेरा अच्छा। बच्चा अब वो एक धमाल है धमाल और उस धमाल को क्या बोलते हैं मालूम है मनुमें? प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन ऐसा लाइट जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है मैं उसको क्या बोलता हूं प्लेन पोलराइज लाइट इतना सबको समझ में आ गया बच्चा चलो इज दिस मच क्लियर टू एवरी वन लेज योर हैंड फटाफट थम्सअप भेजो जिसको इतना समझ में आ गया हेलो एवरीवन हेलो गाइस क्रिस्टल क्लियर मस्का कंसेप्ट एकदम सॉरी चलिए बहुत बढ़िया अब अब क्या करेंगे लेट अस अंडरस्टैंड नाउ आई हैव प्लेन पोलराइज लाइट मैंने पढ़ लिया कि सर हमारे पास है ना प्लेन पोलराइज लाइट है जो हमको निकोल प्रिज्म से पास करके मिल चुकी है चलो सर समझा तो इस लाइट इज प्लेन पोलराइज लाइट नाउ when you pass a light through certain organic substance देखो physics को ले लेकर अब आगे chemistry पे जब आप this plane polarized light को pass करते हो किससे बचा लोग कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ क्या है बाद में देखेंगे फिलहाल के लिए टेंशन छोड़ दे जब तुम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करते हो तो होता क्या है आपके वाइब्रेशंस ना when you pass this plane polarized light to certain organic substance the light starts rotating its direction either towards the right hand side खुद ही से बना लेंगे तो अच्छा आपके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या तो उस लाइट को राइट right पे घुमा देंगे या तो उसको लेफ्ट पे घुमा देंगे फिर देखा फिर से समझना मैं जो बोल रहा हूं वो समझना मेरे पास एक लाइट थी बच्चा एक लाइट थी जिसको मैंने बोला प्लेन पोलराइज लाइट जो बिल्कुल इस डायरेक्शन में थी yes. अब मैंने क्या किया इसको पास कर दिया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से घूमते घूमते पास अब ये डायरेक्शन या तो इस तरफ घूम जाएगा राइट की ओर या तो इस तरफ घूम जाएगा लेफ्ट की ओर राइट वाले को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हो लेफ्ट वाले को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हो घड़ी देखा है घड़ी घड़ी कैसे घूमता है ऐसे घूमता है राइट पे तो जो राइट पे है वो क्लॉकवाइज है जो लेफ्ट पे है वो एंटी क्लॉक है अब क्वेश्चन आता है सर इससे हमका क्या लेना देना रहे? अब लेना देना निकलेगा अब तो मजा आएगा जो सब्सटेंस तुम्हारे कंपाउंड के रोटेशन को राइट right साइड पे घुमाता है जिसका रोटेशन राइट साइड पे होता है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल आई रिपीट वंस अगेन जो सब्सटेंस हमारे इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट right पे रोटेट करेगा उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस हमारे रोटेशन को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल आई रिपीट वंस अगेन

बेटा अब मैं जो पूछ रहा हूं क्या सर हम किसी भी चीज में मैं ऐसा अगर ला, लाइट वाले को डाल दूंगा तो रोटेशन होगा क्या मैं इधर वाटर ले लू तो भी ये वो रोटेशन होगा क्या इधर अल्कोहल ले लू तो भी रोटेशन होगा क्या इधर एल्डिया ले लू तो भी रोटेशन होगा मतलब कुछ भी डालू तो रोटेशन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा तो अब क्वेश्चन आता है Which are these organic substance? अब तो मजा है बेटा ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये कोई आम चीज नहीं है ये तो मेन्टोस जिंदगी है ये आम जिंदगी थोड़ी है तो इसमें क्या नया है बेटा ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा कार्बन होता है जिसको बोला जाता है काइरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन द कंपाउंड विच हैजीज ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रोटेटिंग अइज लाइट मस्ट कंटेन दिस काइरल कार्बन अब आप बोलोगे सर ये वर्ड तो बिल्कुल नया है और कुछ यूनिक भी है सुनने में तो एकदम नया ही लग रहा है तो ये होता क्या है वॉट डज दिस मीन्स किसी बच्चे को मालूम है यहां पे कायरल कार्बन क्या होता है? चलो मुझे ये बताओ अब तक सबको इतना समझ में आया तो फटाफट जरा थम्सअप डाल दो नोट्स मिल जाएगा बेटा टेंशन मत लो नोट्स की चिंता बिल्कुल ना करिए है. हम हैं तो क्या गम है मेंटोस क्लियर जिंदगी है ना सबका एकदम आम जिंदगी मत करो मेंटोस क्लियर जिंदगी रामेश्वर देशमुख नींद में लग रहे हो बेटा थोड़ा सा थोड़ा मुंह धो लो अच्छे से चलिए बहुत बढ़िया तो अब बेटा आते हैं वॉट इज काइरल कार्बन कंसेप्ट को सम जम के पढ़ेंगे जम के समझेंगे ठीक है चलिए तो बेटा सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं अ कार्बन इन विच ऑल फोर बॉन्ड्स Are satisfied by different atoms or group of atoms, then the carbon is called as chiral. और अमेट्रिक कार्बन पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं ठीक है थीके? क्या है डेफिनेशन तो लिखा है अब डेफिनेशन समझेंगे डेफिनेशन क्या बोल रहा है मालूम है कि कार्बन के पास चार बॉन्ड होते हैं। चलो अपन चार बनाएंगे एक दो तीन चार चारोर बॉन्ड आप बोलोगे सर ऐसा रंग बिरंग कार्बन क्यों बनाया आपने आपने अभी तक आपने जितने भी कार्बन देखे होंगे ना सब में क्या होता है सबके पास सेम सेम हाइड्रोजन है ओ OH एच है ये है वो है सी एच थ्री है सी टो तो. लेकिन कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिसके चारों बॉन्ड एक दूसरे से अलग जैसे कि एक एच है दूसरा सी एच थ्री है तीसरा बी आर है चौथा सी टू एच फाइव है तो ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड एक दूसरे से अलग होते हैं उस कार्बन को हम बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम अ कार्बन हुज़ ऑल द आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम और अ ग्रुप ऑफ आटम ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड एक दूसरे से मैच नहीं होते चारों अलग है तो क्या बोलेगा मेरा बच्चा उसको मैं बोलेगा असिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम समझ में आया इसको हमेशा लिखने के बाद ऐसा स्टार मारने का दिस स्टार इज एस्टरिक्स और इसका मतलब होता है कि ये कार्बन जो है ना ये कार्बन होता है अपना असिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन अब दूसरी बात तो बेटा अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब यह जो हमारा कंपाउंड है ना इसमें अगर वो सिमेट्रिक वाला कार्बन होगा तब तो वो घुमा पाएगा तो अगर उसने राइट में घुमाया तो वो कंपाउंड रोटेटरी अगर वो लेफ्ट में घुमाया तो रोटेटरी अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन फिर निकालोगे दिमाग में सर कंपाउंड तो एक है तो वो क्या दोनों घुमा लेगा नहीं तो अब आते हैं दूसरे ट्विस्ट पे दूसरा ट्विस्ट क्या बोलता है मालूम है क्या दूसरा ट्विस्ट अपना कुछ ऐसा बोलता कि बेटा जब तेरे पास असिमेट्रिक कार्बन है मतलब तेरे पास कायरल कार्बन है ऐसा तो वो नेचर में दुनिया में उसको अकेला बनाया ही नहीं है जो कभी तुम्हारा ऐसा कोई कार्बन हो वो हमेशा अपने एक मिरर इंपॉजिबल इमेज ऑफ ईच अदर मतलब उसी के जैसा लेकिन ऐसा वाला ऐसा 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 मतलब दुनिया में ये लोग कभी अकेले आए ही नहीं है इन लोग में अपने आप में दो फॉर्म हमेशा से एग्जिस्ट होता है जो नॉन सुपर मिरर इम्पोजिबल इमेज एक दूसरे का मतलब यहां पे जो बिहार था अब यहां चला गया यहां का जो एक्स था वो यहां चला गया तो ये लोग अपने आप में ही अपने आप में ही ये लोग नेचर से कितनी बार आए हैं दो बार आए हैं एक फॉर्म को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी दूसरे को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो को लिखा जाता है डी लीवो को एल डेक्स्ट्रो को प्लस लीवो को माइनस इस तरह से नेचर ने ही हमको ये दो चीज साथ में दी है एक डेक्स्ट्रो दिया है दूसरा लीवो दिया है तो अगर तूने कंपाउंड बीच में रखा हुआ लाइट के अंदर से डेक्स्ट्रो वाला रखा तो राइट में घुमा देगा लेफ्ट में रखवा ये वाला रखा तो लेफ्ट पे घुमा देगा तो मतलब कंपाउंड कायरल है कार्बन है तो ये प्रॉपर्टी है अगर मैं ले लू सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच इसको बोलू के चल तू घुमा तू दो फॉर्म में आएगा क्या ऐसा नहीं होता ये किसके पास होता है उसी के पास होता है जिसके पास ये वाला असिमेट्रिक कार्बन होता है समझा बच्चा लोग एवरी वन अंडरस्टूड दिस मच काइंडली गिव थम्स अप जरा अप पिलाओ सर थक गए फटाफट कैसा लगा सर का आज का एक्सप्लेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसा जा रहा है धमाल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आग लगा दिया कि नहीं लगाया चलिए तो बेटा अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन इतना सब रामायण हो गया इतना सब किच कथा पढ़ ली हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी अच्छा ऑप्टिकल एक्टिविटी तो अब तक आपने डिफाइन ही नहीं किया तो तो करना पड़ेगा तो बेटा वॉट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ फिना इन विच द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट गेट्स रोटेटेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अगर एक कंपाउंड से जब कोई लाइट पास होकर अपना रोटेशन बदलती है तो उस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं मतलब ये जो हमने किया ना ये प्रोसेस ही ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला प्रोसेस है क्लियर गाइस अच्छा लो एक दो हेलो स्टूडेंट्स बच्चा लोग एक दो मिनट सब लोग वेट करिए एक कॉल है अर्जेंट वो कॉल अटेंड कर लेता हूँ जब तक आप लोग इतना रिवाइज करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स से काइंडली रिवाइज दिस होल कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी और उसके आगे और भी कुछ पढ़ना है हमको धमाकेदार चीज़ तो कोई जाएगा नहीं सब यहीं पर रुकेंगे और खाली अपनी टेक्स्ट बुक से रिवाइज करके लेंगे ठीक है बेटा चलो दो मिनट बाद आते हैं फटा फटाफट

हेलो स्टूडेंट्स सबको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चा लोग कैन यू ऑल हर मी प्रॉपरली गाइस नोट्स मिलेगा बेटा डोंट वरी नोट्स भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जैसे होगा वैसे भेज देंगे कोई बच्चा बोल रहा है सर ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन चाहिए तो लिख कर दे देता हूँ डोंट वरी Let us take an optical activities definition a phenomena in which the plane of plane polarized light gets rotated when passes through.

तो ये रहा बेटा डेफिनेशन दिस इज द डेफिनेशन अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन बेटा मैंने ना ये कंपाउंड बनाया आपके लिए किधर गया हाँ ये कंपाउंड क्या ये कंपाउंड अपना आइसोमर है क्या रे बच्चा लोग इज दिस कंपाउंड आइसोमर ऑफ ईच अदर यस और नो आंसर भेजो फटाफट मुझे यस या नो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर मिलेगा कैन इस कंपाउंड भी कॉल्ड एज आइसोमर्स यस और नो क्या ये दोनों कंपाउंड मेरे लिए आइसोमर होंगे या नहीं होंगे बच्चे लोग यस 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 चलो चलो सबको यस ही लग रहा है तो यस बेटा बिल्कुल आइसोमर अ कंपाउंड अच्छा आइसोमर का डेफिनेशन क्या था अ कंपाउंड इन विच दे है फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्वियसली पूरा फॉर्मूला तो सेम है मेरा बच्चा फर्क क्या है स्ट्रक्चर में तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स तो नाम याद रखने का दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स अच्छा इसको नाम भी है इसको नाम भी है और नाम बताऊंगा इसके बाद वाली स्लाइड में तो फिलहाल ध्यान दे दे इनको हम बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स अब यह ऑप्टिकल आइसोमर को डिटेल में चलते हैं बेटा ये जो ऑप्टिकल आइसोमर तूने अभी पढ़ा ना ये ऑप्टिकल आइसोमर को हम नाम देते हैं इनेंशियोमर्स या इनेंशियो या आप उसको इनेंशियोमर्स बोलो तो भी चलेगा या फिर तुम इसको इनशियो बोलो तो भी चलेगा अब इसका मतलब क्या बेटा हमने अभी दो कंपाउंड बनाया एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी बाकी ऊपर के नहीं बनाता सिर्फ लेफ्ट राइट वाले बनाऊ तो ये डेक्स्ट्रो है ये लीवो है डेक्स्ट्रो वाले की प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये बताया कि डेक्स्ट्रो वाला जो है ना वो या तो राइट हैंड साइड पे रोटेशन दिखाएगा या तो फिर वो उसको अपने आप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिखाएगा और इसी का बिल्कुल उल्टा मैंने यहां पढ़ाया और मैंने बोला ये लेफ्ट साइड पे रोटेशन दिखाएगा या तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन दिखाएगा ये हमने पढ़ा अब एकदम धमाल कंसेप्ट बेटा इनका रोटेशन भले ही डायरेक्शन वाइज अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन से मैं आप बोलोगे सर ये क्या वर्ड दिया समझ में नहीं आ रहा है बेटा इसका मतलब कि अगर मेरे पास सेम कंपाउंड है आइसोमरिक कंपाउंड है इनैंशियोमेरिक कंपाउंड है एक डेक्स्ट्रो फॉर्म में और एक लीवो फॉर्म में कौन से फॉर्म में एक डेक्स्ट्रो फॉर्म में और एक लीवो फॉर्म में कौन से फॉर्म में एक डेक्स्ट्रो फॉर्म में और एक लीवो फॉर्म में तो क्या होगा डेक्स्ट्रो वाला राइट में घुमाएगा लीवो वाला लेफ्ट में घुमाएगा बराबर तेरा बात तो एकदम कंसेप्ट करेक्ट है लेकिन डेक्स्ट्रो वाला अगर प्लस फोर्टी फाइव डिग्री पे घुमाता है तो लीवो वाला भी उतना ही माइनस फोर्टी फाइव पे ही घुमाएगा मतलब रोटेशन का डायरेक्शन भले ही उल्टा है लेकिन रोटेशन का एंगल बिल्कुल सेम है ये 45 पे घूम रहा है ये इस तरफ 45 पे में घूम रहा है मतलब दोनों भी 45 ही है फर्क क्या है एक राइट में ले, ले लेगा दूसरा लेफ्ट में ले, ले लेगा समझा कह रहे बच्चा लोग क्लियर पक्का श्योर एवरी वन अंडरस्टूड फटाफट मारो इन श्युमर जिन जिन बच्चों को समझ आ गया मस्का क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको मेंटो जिंदगी जी रहे हो नहीं जी रहे हो बताओ यार बढ़िया बहुत बढ़िया तो बेटा इतने बच्चे लोग जो हमारे लेक्चर में है मज़ा आ रहा है सबको देख करके पढ़ रहे हैं सब लोग और आंसर भी कर रहे हैं एक्सलेंट अप्रोच आप लोग आते हो रोज लेक्चर बैठते हो एक घंटा आराम से सुकून से सुनते हो और पढ़ाई करते हो। होप फॉर द बेस्ट आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए सिर्फ पढ़ाई करते रहिए ठीक है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और देख करके बहुत खुशी हो रही है रोज बच्चे आते हैं रोज लेक्चर में बैठते हैं कमेंट देखता हो आपके देखकर अच्छा लगता है कि सब पढ़ाई भी कर रहे हैं सबको समझ में भी आ रहा है वेरी वेल अप्रिशिएटेड अब इसी के लिए आपको दूंगा एक नया क्वेश्चन आज चलो कंसिडर सोचना मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एकदम मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं कंसिडर अपने पास है ना दो कंपाउंड है सेम एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है और उसी मॉलिक्यूल का अपने पास एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड एक डेक्स्ट्रो भी है और एक लीवो भी है अब मैं क्या कर रहा हूं वालू में मतलब सेम है सेम वाले का इसी का डेक्सट्रो इसी का लीवो एकदम सेम लेफ्ट वाला राइट right वाला इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं इक्वल वॉल्यूम में मतलब इसका फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम लूंगा इसका फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम लूंगा और दोनों को मस्त मिला दूंगा मिक्स कर दूंगा मिक्सचर बना दूंगा अब ये जो सब्सटेंस मुझे यहां से निकल के मिलेगा जिसमें डेक्स्ट्रो भी है लीवो भी है दोनों फिफ्टी फिफ्टी है तो ये जो सब्सटेंस मैंने बनाया ये सब्सटेंस अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कर पाएगा मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है आप लोगों का आंसर मुझे चाहिए सोच समझ के आंसर भेजिएगा ये जो कंपाउंड मैंने बनाया ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चा लोग या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इसमें रोटेशन होगा या रोटेशन नहीं होगा गुड नो no बोल रहे बच्चे इनएक्टिव भी बता रहे बच्चे, Excellent. Oh, good, good, good. बहुत बढ़िया बच्चा लोग मतलब ऐसा समझ में आ रहा है मुझे ऐसा देख के आप लोगों को कि आप लोगों ने इस लेक्चर में पूरा हंड्रेड परसेंट फोकस दिया बेटा देख तेरा एक कंपाउंड है जो फिफ्टी परसेंट रोटेट करता है राइट पे तेरा दूसरा कंपाउंड है जो रोटेट करता है लेफ्ट पे मैंने दोनों को मिला दिया

तो थर्टी थर्टी प्लस माइनस कैंसिल तो जीरो डिग्री रोटेशन और जीरो डिग्री रोटेशन का मतलब क्या हो गया बच्चा लोग वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया मतलब अब वो तो घूम ही नहीं पाएगा अब उसको तो आप रोटेट ही नहीं कर पाओगे मतलब ऐसे कंपाउंड जो कुछ अमाउंट 50 परसेंट एक्सट्रो 50 परसेंट लीवो को जोड़ करके मिला करके बनते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर्स या फिर अपना टेक्स्ट बुक उसको एक और नाम देता है तो आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स वन इज़ मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमेट्स तो क्या इतना हर किसी को समझ में आया है यस yes और नो no? फटाफट जल्दी जल्दी से मुझे एक्सप्लेनेशन को समझ में आया तो थम्सअप भेज दो बच्चा लोग एक्सेलेंट गाइस एक्सेलेंट हेलो एवरीवन चलो सब लोग यस 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 बोल रहे हैं थम्सअप भी भेज रहे हैं देख करके बिल्कुल मजा आ रहा है अच्छा भी लग रहा है वाओ एक्सेलेंट चलो तो फिर क्या क्वेश्चंस दू सॉल्व करने के लिए कर पाओगे होगा होगा ना आए क्या हम सब तैयार है बिल्कुल है सर बिल्कुल है चलो ये देता हूं पेज नंबर टू थर्टी टू पे डू एज डायरेक्ट पे आइए पेज नंबर 232 पे डू पे डूएस डायरेक्ट होगा वहां पे आइए और उस डू एस डायरेक्ट में ना अपने को एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कंपाउंड क्या हमारे सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है क्या पहले ये बताओ टेक्स्ट बुक है क्या नहीं टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो वो लिख दो नो टेक्स्ट बुक तो मैं फिर बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या मैं बोर्ड पे लिख दू क्वेश्चन चलिए तो बोर्ड पे लिख देता हूं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख करके दे देंगे सर आइडेंटिफाई काइरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कंपाउंड काइरल ढूंढना अपने को ठीक है चार दिए हुए ऑप्शन में से काइरल कौन सा बताइएगा और जिनके पास है वो लोग तो अपना काम शुरू कर सकते हैं अब गो फॉर द क्वेश्चन गाइस ऑल द वेरी बेस्ट दीज आर फोर ऑप्शन ए बी सी और डी मुझे फटाफट देख करके आंसर भेज दो कौन से कायरल है कौन से कायरल नहीं है वेरी फास्ट एक्सप्लेनेशन तो मैं देने ही वाला हूँ <coughs> हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो तो ऐसा जरूरी नहीं एक ही होगा आपको लगता है एक से ज़्यादा तो एक से ज्यादा भी हो सकता है नो no प्रॉब्लम चलिए कई सारे बच्चों ने ना मुझे आंसर दिया सर ए है चलो चेक करते एक-एक करके क्या है और क्या नहीं है ठीक है पहला पहले वाले वाले में ये कार्बन को ले लो बाकी सब में तो तीन एच दो एज, तीन एज है, मतलब वो तो नहीं होंगे ये देखते पॉसिबिलिटी है क्या ये कार्बन है इस कार्बन को नीचे ओ एच लगाए बाजू में सीएच थ्री लगाए एक एच लगा है मतलब देख थ्री है एच को मैंने ऊपर रख दिया OH. अच्छा ये CH2, को डायरेक्टली मैं लिख देता हूं नो no प्रॉब्लम चल जाएगा तो इसके चारों बॉन्ड अलग है मतलब डेफिनेटली ये तो अपना काइरल मॉलिक्यूल है ही है चलो पहला तो है दूसरा वाला दूसरे वाले में भी ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता क्योंकि सबके पास दो दो तीन तीन हाइड्रोजन है तो कैसे होंगे तो दूसरे वाले में बीच में एक सी एच है नीचे एक बी आर है अच्छा ये सी एच टू सी एच थ्री मतलब सी टू एच फाइव ये भी सी टू एच फाइव मतलब इसके पास हो ऐसा गया कि दोनों तरफ सी टू एच फाइव आ गए अब दोनों तरफ अगर सी टू एच फाइव है बेटा तो क्या करेंगे बिचारे को अफसोस के साथ अकायरल दिखाना पड़ेगा सेम ग्रुप ऑन बोथ साइड मतलब दीज कंपाउंड इज सिमेट्रिक या फिर अकायरल तीसरा तीसरा तो बिना देखे आंसर दे दो ना ये हो सकता ना ना ये ये हो हो सकता, हो सकता, सबके पास तीन कार्बन तीन कार्बन दो कार्बन है, मतलब ये तो, है ही नहीं। तो, तो एक जिसको ऊपर एक एच है नीचे सी एच थ्री है बाजू में भी सी एच थ्री है मतलब ये भी सत्यानाश ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के पास सेम ग्रुप है मतलब द ओनली ऑप्शन इज ए विच ट्रिक कायरल कंटेनिंग मॉलिक्यूल और जो कायरल है उसको एस्ट्रिक मारना भूलना मत ये वाला कार्बन कायरल है जिसको ऐसे एस्ट्रिक लगाने का नहीं तो मार्क्स जाता है समझा बच्चा लोग अंडरस्टूड कितने बच्चों को आया था जरा फटाफट हाथ उठा के बताओ मेरे को कितने बच्चों ने राइट आंसर बताया और जिसको राइट आया वो लोग जरा हाथ उठा दो फटाफट चौका मारा आज भी क्या बात है मस्त चलो फिर एक और क्वेश्चन करो मेरे लिए टू थर्टी थ्री पे आ जाओ टू थर्टी थ्री पे ना क्वेश्चन नंबर एट मैच द पैर दिख रहा है आपको मैच द पैर मैच द पैर अभी ये तो चला जाएगा दूसरे पेन से लिखा है लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ो मैच द पैर उसके अंदर आपको दिए हुए तीन कार्बन है और कुछ ऑप्शन है चलो ये तीन पहले मैं लिख देता हूं फटाफट आपको बताना है अलाइल है, है अलकाइल है या अराइल है सी एच थ्री सी एच एक्स सी एच थ्री पहला दूसरा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एक्स दूसरा तीसरा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एक्स पहले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया था आंसर फटाफट देने का मैं तो सोचता हूँ बिना ऑप्शन देखे ही आंसर बोल लू आपको करने को लेकिन फिर भी आप लोगों के पास जिनके पास बुक होगा वो लोग ऑप्शन देख लो बता दो मुझे फटाफट कौन सा विनाइल कौन सा अलाइल कौन सा अराइल और कौन सा बेंजाइल अगर है तो चलो फटाफट आंसर लिख के भेजो सेंड मी द आंसर्स फास्ट गाइस वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस आई विल वेट फॉर टू मिनट्स देन गेट बैक टू द आंसर चलिए तो बेटा बहुत लोगों ने ट्राई किया इसमें तो ना डबल बॉन्ड है ही नहीं मतलब ये तो अपना सिंपल वाला अल्काइल हलाइट एक ही हेलोजन है इसलिए अब इसमें दोनों में डबल बॉन्ड है सर ने रूल बताया था अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही हेलोजन भी आता है मतलब ये तो अपना विनाइल हलाइड हो गया और डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन आता है मतलब ये तो अपना अलाइल हलाइड हो गया तो एक मार्क इसका मिलता अपने को एक मार्क इसका मिलता है एक मार्क इसका मिलता है तीन मार्क में से तीन मार्क पूरे मिलते हैं क्या बात है आज भी खुश है एकदम कितने बच्चों को तीन में से तीन बहुत बढ़िया आज भी चार चांद लग गए बेटा चलिए तो आई होप गाइस आपके लेक्चर का आज का भी सेशन एकदम धमाकेदार हुआ होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इनैन शोमर डेक्स्ट्रो लीवो कैसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है कैसे नहीं घूम रहा है हर चीज़ सबने अच्छे से समझ के ले लिए और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये बार 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 टीचर के एग्जाम में पूछता है सिमेट्रिक क्या है या कायरल क्या है या सिमेट्रिक क्या है डेक्स्ट्रो क्या है लीवो क्या है चैप्टर्स के अंदर बार बार अगले चैप्टर में भी ऑर्गेनिक में ऐसा ही है बेटा कि चैप्टर नहीं यूनिट पढ़ना तो ये यूनिट का पहला हिस्सा जितना मजबूत 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 करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी खुद की पूरी ऑर्गेनिक डेवलप होगी तो ये था मेरे आज के लेक्चर का मेन पार्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी तो मैंने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज प्रॉब्लम ले लिया अब मिलूंगा नेक्स्ट वीक में या फिर हो सकता है कल भी आ जाओ सरप्राइज़ देने आप लोगों को तो अगर कल भी आ गया तो कल मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्टिविटी सब लोग साथ में जुड़े रहिएगा मिलते हैं अगले सेशन में कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आज मजा आया कि नहीं क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ गुड वीकेंड सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास बाय एवरीवन टेक केयर